यहाँ पे हम करेंगे जो क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स की, उनकी इनडेप्थ एनालिसिस, देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो किस तरह से रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ये जीएस पेपर वन का सेट बी। प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है जनरली होता है उसका प्रीलिम्स का सेट बी है। 2023 जो ईयर है वहां से ये पेपर मैंने उठाया है उस साल का। ठीक है, तो हम 2023 से लेके जो है वो 2010 तक का देखते हैं, एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन पेपर की किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा रीजन वो था आपका ध्यान का टका जो फ्लोरिश हुआ था एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर की तरह अंडर द महासंघिकास लोकेटेड। कहाँ पे वो लोकेटेड है? आंध्रा में है, कलिंगा में है, गंधारा में है, मगध में है। पहले देखते हैं अमरावती जो है, जो अमरावती है, अमरावती जो कि हमारी सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अमरावती एक इम्पोर्टेंट टाउन था डेक्कन में। अमरावती क्या था? अमरावती दक्कन में एक इम्पोर्टेंट क्या था हमारा टाउन था। कहाँ पे था ये? डेक्कन में, जिसको हिंदी में दक्कन भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट टाउन था। और ये जो बाद में जो सतवाहनास जो आते हैं, हमारे सतवाहनास का जो रूल आता है उनकी ये थी कैपिटल। उनकी क्या थी? कैपिटल थी। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि लार्ज जो बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट था वो यहीं पे लोकेटेड था। 6 ऑक्यूपेशनल पीरियड्स जो है वो रेंज करते हैं 2nd सेंचुरी BCE से 2nd-3rd सेंचुरी CE तक। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर है। ठीक है, अब आता है विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पहला क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है स्टूपा का वो बुद्धिस्ट इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ठीक है, स्तूपा जो है वो जनरली एक रिपोजिटरी था रिलिक्स का। ठीक है, स्तूपा क्या था? वोटिव था और कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर था बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। अब हमको देखते हैं केवल वन सही है, टू सही है, थ्री सही है, नन सही है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे इसका, यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, यूज करेंगे स्मार्टली। अब देखते हैं, देखिए जो प्रैक्टिस थी जिसमें जो रिमेन्स है एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के उनको प्रिजर्व किया जाता था बिलो एक्यूमुलेटेड अर्थ वॉज लॉन्ग इन एग्जिस्टेंस। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है उनकी कुछ कुछ क्या है यहाँ पे बिलोंगिंग्स है, उनको थोड़ा सा जो अर्थ है अर्थ के यहाँ पे नीचे उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था। लेकिन अगर हम बात करें स्तूपा की बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो इसको हम जानते हैं बुद्धिज्म में ये ओरिजिनेट हुई थी। बुद्धिस्ट जो सोर्सेज है उनके हिसाब से जो बुद्धास थे, गौतम बुद्धा की जो बॉडी थी वो 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया था और उनको स्तूपास के अंदर उन्होंने रख दिया था। तो स्टेटमेंट वन की अगर हम बात करें तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है कि भाई ये जो स्तूपा है वो बुद्धिस्ट है ओरिजिन में, बिल्कुल बुद्धिस्ट ही तो है ओरिजिन में। अब आप चलिए ऑप्शन टू की तरफ चलते हैं। तो बुद्धिस्ट की सोर्सेस की हिसाब से जो बुद्धा की बॉडी के जो रिमेन्स थे जिसको हम रेलिक्स भी बोलते हैं, रेलिक्स क्या होता है? गौतम बुद्ध की बॉडी के रिमेन्स। ठीक है, उनको हम रेलिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिवाइडेड थे 8 पार्ट्स में और उनको स्तूपास के अंदर प्लेस कर दिया था। तो स्टेटमेंट टू भी यहाँ पे करेक्ट है, स्तूपा जो है वो रिपोजिटरी थे, बिल्कुल सही है। स्तूपा में क्या होता है? रेलिक्स ही तो होता है। अब ऑप्शन थी थर्ड है आपका। तो अगर हम ऑप्शन थर्ड की बात करें तो कनिंगम के हिसाब से मेजे और फाउचर जो है स्तूपाज को हम क्लासिफाई करते हैं 5 कैटेगरीज में। पहला होता है रेलिक स्तूपा, एक होता है जैसे रेलिक स्तूपा, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट स्तूपा, फिर कॉमेमोरेटिव स्तूपा, सिंबॉलिक स्तूपा, वॉटिव स्तूपाज। तो स्टेटमेंट जो है थ्री यहाँ पे ये भी करेक्ट है। रेलिक्स क्या होते हैं? रेलिक्स देखिए वो होते हैं जो
relics stupas are those in which relics of Buddha and other religious person are buried. जैसे सांची का स्तूपा है, ठीक है, सांची का स्तूपा है जहां पे relics यहां पे दफना दिए गए हैं. ऑब्जेक्ट स्तूपा वो है जैसे उनका जो बिलोंगिंग है या फिर उनकी जो उनकी जो डिसिपल की बिलोंगिंग है. तो ये आपको मिलेगा वैशाली में, ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, वैशाली में. रेलिक तो सांची में है और जो भाई आपका ऑब्जेक्ट स्तूपा है वो आपको मिलेगा वैशाली में. अब आपका आता है कमेमोरेटिव स्तूपा, जो उनके जो बहुत सारे जैसे इवेंट्स हुए हैं लाइफ में उनको याद करते हैं, उनको क्या करते हैं, कमेमोरेट करते हैं. तो ये आपको मिलेगा अनुराधापुरा में. सिंबॉलिक स्तूपा जो है वो आपको मिलेगा लेह में, ठीक है. और वोटिव स्तूपा ये भी कंस्ट्रक्टेड है उनकी विजिट को याद करने के लिए या फिर कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को गेन करने के लिए. तो ये जो वोटिव स्तूपा है ये मेटल से बन सकते हैं, पत्थर से भी बन सकते हैं, ग्लास से भी बन सकते हैं. तो स्टेटमेंट थ्री जो है, स्टेटमेंट थ्री यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे करेक्ट है कि ये तीनों ही आपके ठीक हैं. क्वेश्चन थ्री देखते हैं. क्वेश्चन थ्री कहता है कि एंशंट साउथ इंडिया के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो कोरकई, पूम्पुहार और म्यूचिरी ये वर वेल नोन एज, क्या ये कैपिटल सिटीज थी, क्या ये पोर्ट्स थी, क्या ये सेंटर्स थी आयरन और स्टील मेकिंग की, क्या ये श्राइन्स थी जैन के जो तीर्थांकर हैं. देखिए जो चोला है, चोला पोर्ट जो है वो पुहार में लोकेटेड था, जिसको हम कावेरी पुमपट्टिनम और पुमपुहार भी बोलते हैं. चोला जो एम्पायर थे, चोला हमारे कहाँ पे थे, साउथ में थे. तो चोला जो है उनका पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड था, पुहार में, PUHAR पुहार में लोकेटेड था. कावेरी पुमपट्टिनम और पुमपुहार. मेजर पांड्या पोर्ट जो है वो कोरकई था, जबकि टोंडी और मुछिरी ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे किसमें, चेरा के किंगडम पे. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाता है कि ये हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे. अब क्वेश्चन नंबर फोर है, इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करता है प्रैक्टिस किसकी, वट्ट किरुचुअल की जो मेंशनड है संगम पोएम्स में. देखते हैं, संगम पोएम जो है वो परवेडिड है, उसमें बहुत सारी वॉरियर की एथिक है, ठीक है. अब गोल जो है हीरो का ऑफ द पुरम पोएम्स वॉज पुकाल, मतलब उनकी ग्लोरी करना, उनका फेम करना और एक उनको हीरोइक डेथ जो उसकी प्रेज करना. तो ये बिलीव किया जाता था कि जो वॉरियर है जो मर चुका है उसकी जो स्पिरिट है जो बैटल में मरती थी तो वो कहाँ पे जाते, पैराडाइज में जाती है. एक पोएम है आपकी पुरननारू, ठीक है, वो सजेस्ट करती है कि जो बॉडीज है वॉरियर्स की जो बैटल में नहीं मरते तो उनको सोर्ड के साथ काटा जाता है बिफोर द फ्यूनरी राइट्स टू स्टिमुलेट डेथ इन बैटल, कि ताकि जो है डेथ हुई है यहाँ पे किसमें, जो बैटल है. प्रैक्टिस जो है इसकी वट्टकिरुटल की वाज वन इन विच की अगर जैसे किंग हार जाता था तो या फिर उसने रिचुअल सुसाइड कर लिया है अपने आप को स्टार्व करके, तो accompanied by those who had been close to him during his lifetime. तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट है कि जो आपका ये जो है वट्टा किरु चल जो है संगम पोयम में वो बताता है किंग जो हार चुका है बैटल में, जिसने रिचुअल सुसाइड किया है by starving himself to death. ठीक है, ये बताता है कि मृत्यु जो जो किंग हार गया है और फिर वो सुसाइड कर लेता है, तो वट्टा किरुटल उसी को यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ड डोनेट कर रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होसाला डायनेस्टी थी, गहादावाला डायनेस्टी थी, ककादिया थी, यादवा थी. अब होसाला जो थे वो लाइमलाइट में आते हैं 11th सेंचुरी में, जो आपकी जो 11th जो शताब्दी है उसकी शुरुआत में. ये आते हैं आपके कलियुग में, कलियुग आपका है नियर तलाकड, इसके इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं 990 AD से इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं होसलास के. होसला का चीफ की बात करें तो वो मेंशनड है गंगा कन्फेडरेसी में, जो अप्रामेया के अगेंस्ट फाइट करते हैं, जो कि एक चोला का जनरल होता है. और इसका जो चीफ है वो उसको हम
निरुपमा की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। ये अर्लीस्ट नोन मेंबर था होसला डायनेस्टी का, उनके जो बेटे हैं और उनके जो सक्सेसर हैं विनाया आदित्य, उनको इज फर्स्ट रिफर टू इन रिकॉर्ड ऑफ 1047 AD। तो ऑप्शन वन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। गादावाला की बात करें, चलिए इनका भी देख लेते हैं। गादावाला जो है, जब प्रतिहरा का एम्पायर टूट जाता है, गुज्जर प्रतिहरा, ठीक है, उनका एम्पायर जब टूट जाता है तो बहुत सारे जो राजपूत स्टेट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, बेसिकली जो इंडिया का जो नदर्न पार्ट है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नदर्न पार्ट पे। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे इनमें थे जो गादावलास थे, ये रूल कर रहे थे कन्नौज में, और जो परामर्श है वो मालवा में थे, और जो चौहान है वो अजमेर में। तो बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज भी आती है डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के, जैसे कि आपका आ गया कालाचूरिया आ गया, जो एरिया है जैसे जबलपुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे, चंडेलास फिर आ जाते बुंदेलखंड में, चालुक्य आ जाते गुजरात में, तोमर्स आ जाते हैं आपके दिल्ली में, और बंगाल जो है वो पालास के कंट्रोल में रहता है, बाद में जो फिर ये सेना के कंट्रोल में आ जाता है। तो गादावलास जो है कन्नौज के ग्रेजुअली स्क्वीज्ड द पालास आउट ऑफ बिहार, बिहार से वो उनको निकाल देते हैं। ओके, अब जैसे चंद्रदेवा, उनको चंद्रादित्य भी बोलते हैं, इंडियन किंग थे ये, आते हैं आपके गादावाला डायनेस्टीज में। इन्होंने रूल किया होता है अंतर्वेदी कंट्री, जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, अंतर्वेदी पैलेस का नाम था, इंक्लूडिंग कन्या कुब्जा और वाराणसी। जब गादावाला किंगडम अपनी हाइट पे होता है तो ये मोंगई जो आपका बिहार में है, वहां से इसका दिल्ली पे भी रूल होता है। ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें इस डायनेस्टी में तो वो था आपका गोविंद चंद्र, गादावाला में गोविंद चंद्र सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था। उसने कन्नौज को अपनी कैपिटल बना दिया था, और बनारस जो है उसकी सेकंड कैपिटल होती है। पर्शियन सोर्सेज भी है इस टाइम के जो क्या बोल रहे हैं, गवर्निंग चंद्रा द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रेटेस्ट रूलर का टाइटल यहाँ पे इनको मिला है, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। गदावर जो है वो रेप्यूटेड है टू द बिगेस्ट डिफेंडर्स अगेंस्ट द कंटिन्यूड गजनवी रेड्स इन टू द दुआब, दुआब में आती है गजनवी, आते हैं गादावाला उनसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। ओके, तो गोविंद चंद्रा वो सक्सीड हो जाते हैं, उनको जयचंद्र उनके फिर रूलर आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो जयचंद्र है यहाँ पे हैड टू कंटेंड विद द राइजिंग पावर ऑफ द चौहान, तो ऑप्शन टू यहाँ पे ये करेक्ट आपका नहीं है, इसलिए करेक्ट नहीं है। ककाटिया जो है ये सब फ्यूडिटरीज होते हैं राष्ट्रकूतास की, राष्ट्रकूता आते हैं एक इंडिपेंडेंट किंग्स की तरह, और वो ककाटिया डायनेस्टी को बनाती है 950 AD में, और ये जो किंगडम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बन जाता है। और ये जो किंगडम क्या होता है, जो तेलुगु स्पीकिंग लैंड्स है उनको क्या कर देता है, यूनाइट कर देता है। किंगडम ने कुछ पावरफुल किंग्स भी देखे जैसे गणपति देवा, रुद्रा देवा, है ना, फिर आता है आपका प्रताप परुद्रा। एज द फर्स्ट इवन वुमेन रूलर जो थी सब कॉन्टिनेंट में वो थी रुद्रामा देवी। ककाटियाज भी रूल करते हैं कहाँ से, हनुमा कोंडा से शुरुआत में, और फिर ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं वरंगल में। तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे करेक्ट नहीं है। फिर आता आपका यादवा, लास्ट क्वार्टर जो है 12th century AD का, यादवा जो है देवागिरी के वो प्रोमिनेंस में आते हैं। इनका जो यादवा जो है हैड प्रीवियसली बीन रूलिंग ओवर सेना देशा खंदेश एज फ्यूडेटरीज ऑफ द चालुक्याज ऑफ कल्याणी। तो फाउंडर जो होता है फैमिली का वो कौन होता है, दिली पराहा होता है, जो सुबाहू का बेटा होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आपका नहीं है। अब इसमें आता है हाउ मेनी, ठीक है, विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक होता है जैसे लिटरेरी वर्क और दूसरा है ऑथर। लिटरेरी वर्क में अगर हम देखें देवी चंद्रगुप्ता और हमीरा, महाकाव्य मिलिंदा पन्हा और नितिन काव्य मित्रा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है
कि अगर हम एंशंट जो आपकी हिस्ट्री है उसका रेफरेंस ले, तो आपको ये फॉलोइंग जो पेयर्स है उनको कंसिडर करना। पहला आपको दिया हुआ है लिटरेरी वर्क, दूसरा आपको दिया है ऑथर के बारे में, जैसे कि देवी चंद्र गुप्ता है, हमीरा है, ठीक है। अब इसमें से हमें बताना है, देखिए विशाखा दत्ता की अगर हम बात करें, विशाखा दत्ता मुद्राक्षका, ठीक है, मुद्राक्षका तो 7th-8th सेंचुरी में आई थी। तो ये जो है चाणक्या के बारे में बताती है, टू विन ओवर राक्षसा, की आप राक्षसा के ओवर कैसे विन कर सकते हैं। चाणक्या जो था एक मिनिस्टर था नंदा डायनेस्टी का, और ये जो है चंद्रगुप्ता साइड, चंद्रगुप्ता का जो डायनेस्टी है उसमें चंद्रगुप्ता साइड में आप कैसे उनको विन कर सकते हो। उसका जो देवी चंद्रगुप्ता सेंटर था वो एक एंशंट सेट था इन द रेन ऑफ द गुप्ता किंग रामा गुप्ता। नरेटिव लिटरेचर की अगर हम बात करें, जैसे कि जैसे आपकी पंचतंत्र हो गई है ना, पंचतंत्र आपकी हो गई जो कि 5th से 6th सेंचुरी में हमारी पंचतंत्र आई थी, ठीक है, पंचतंत्र इस सेंचुरी में आई थी। और यहाँ पे कथा सरितागरा, ये एक स्टोरी है जो 11th सेंचुरी में आई थी, जो कि ओशन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरीज है। ये कलेक्शन है पॉपुलर फोक टेल्स का, जो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी जो लोग थे, पीपल मे हैव नोन, लिसन टू एंड एंजॉय। सो पेयर वन जो है वो करेक्टली मैच यहाँ पे नहीं है, ये वाला। अब आता है हम बात करें, नयाचंद्र सूरी ने हम्मीरा महाकाव्य को लिखा था, और जब इन्होंने इसको लिखा था तो ये लेटेस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था संस्कृत लिटरेचर का। तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो करेक्टली मैच है। मिलिंदा पन्हा 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CEE में आई, और ये जो है इसमें बहुत सारे डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फिलोसफिकल इश्यूज से रिलेटेड। जो किंग मिलिंद थे, नो डाउट द इंडो ग्रीक मैनेंदर, और जो मोंग थे नागासेना, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं है। सोमादेवा ने फॉलो की कॉन्सेप्ट किसका, अर्थशास्त्र ट्रेडिशन का, जो मंडला में थी, सद्गुनियम में थी, और चार उपाय जो थे उनके, एक उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था नीति वाक्यमित्रा, नेक्टर ऑफ द नीति लेसन्स। ऑथर ने अटैच किया है इम्पोर्टेंस किसका, कि जो आप लैंड को, लैंड का जो एक्विजिशन करते हो इज बेटर देन दैट ऑफ मनी, विच इज बेटर देन एक्वायरिंग द लैंड। ही हैज ऑल्सो रिफर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द किंग्स थ्री पावर शक्तिज आफ्टर कौटिल्या, सच एज द इंटेलेक्चुअल, मटीरियल और वोलिशनर। तो पेयर चार भी आपका यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है करेक्ट आंसर। अब इसमें है सॉल्स के बारे में बताया गया है, ये प्रॉपर्टी नहीं है एनिमल की, प्लांट लाइफ की, बट ये रॉक्स की भी है, रनिंग वाटर की, और बहुत सारी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है जो लिविंग नहीं दिखते हैं बाय अदर रिलीजियस सेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है कौन से जो मतलब रिलीजन है उसके बिलीफ को, कौन से रिलीजियस सेक्ट के बिलीफ को, एंशंट इंडिया की। देखिए अगर हम बात करें जैनिज्म के सेंट्रल टेनेट्स के बारे में, तो वो हमें बताता है नॉन वायलेंस। कोई भी जो दूसरा रिलीजन है वो नॉन वायलेंस पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जितना यहाँ पे जैनिज्म देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर होते हैं फेथ के। मसलिन का जो क्लोथ है वो अपने माउथ के अराउंड पहनते हैं और नाक के अराउंड, ताकि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको वो ना इनहेल कर सके। अब जो ट्रैम्पलिंग है एंट्स पे और दूसरे इंसेक्ट्स पे, उसको अवॉइड करने के लिए जैन जो है वो, जो जब चलते हैं तो वो फेदर यूज करते हैं ताकि वो स्वीप स्वीप कर सके रास्ते को। जैन प्रैक्टिस नहीं करते एग्रीकल्चर या फिर दूसरे क्राफ्ट जहाँ पे आप
आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हैं। हेंस उन्होंने एक ट्रेडिंग जो है अपना ऑक्यूपेशन ले लिया, मनी लैंडिंग भी ले लिया। एज अ रिजल्ट दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपको मिलेगा करेक्ट आंसर, जैनिज्म। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूलर जो है विजयनगर एम्पायर का, उसने एक लार्ज डैम को कंस्ट्रक्ट करवाया था तुंगाभद्रा रिवर में और केनाल कम एक्वीडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। वो थे देवाराय वन, उन्होंने तुंगाभद्रा जो एक आपकी रिवर थी वहाँ पे एक डैम बनवाया था ताकि जो कैनाल्स है उनको सिटी में लाया जा सके और पानी की जो शॉर्टेज है उससे बचा जा सके। तो इसने जो भी नेबरिंग फील्ड्स था उसको इरिगेट किया था। जैसे हमें पता चलता है कैनाल्स जो है उन्होंने रेवेन्यू बढ़ा दिया था 350,000 पर डोज पर दाउस। उन्होंने एक डैम भी बनवाया था हरिद्रा रिवर पे इरिगेशन पर्पस के लिए। एक हो गया तुंगाभद्रा, विजयनगर एम्पायर का तुंगाभद्रा, और एक हो गया आपका हरिद्रा रिवर। तो ये आपके होते हैं देवाराया वन। इनमें से कौन सा जो है रूलर मेडिवल गुजरात का, उसने क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो रूलर है मेडिवल गुजरात का, उसने जो पोर्टुगीज आए थे डीयू में उन पे सरेंडर कर दिया था। ठीक है, अहमद शाह है, बहादुर शाह है, महमूद है, या फिर मोहम्मद शाह है। तो इसका जो आंसर है वो है बहादुर शाह। इन्होंने सरेंडर कर दिया था, ये बिल्कुल डर गए थे पोर्टुगीज से। क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा एक्ट वो एक्ट वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट था, क्या वो पिट इंडिया एक्ट था, क्या वो चार्टर एक्ट था 1793 का, चार्टर एक्ट था 1833 का। जल्दी से देखते थे, देखिए चार्टर एक्ट जो था 1833 का वो सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट था जो डिफाइन कर रहा था स्कोप और अथॉरिटी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। लिबरल यूटिलिटेरियन फिलोसफी जो थी बैंथम की वो उसको पॉपुलर बनाया गया बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए थे। पहला क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब यहाँ पे कमर्शियल एजेंसी नहीं रही है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट वुड फंक्शन हेयर आफ्टर एज अ पॉलिटिकल एजेंट फॉर द क्राउन। दूसरा जो गवर्नर जनरल थे फोर्ट विलियम के वॉज हेयर आफ्टर कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको बोला गया था। एक लॉ मेंबर था उसको फिर अपॉइंट किया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, टीबी मैक्यूले, वो फर्स्ट लॉ मेंबर था गवर्नर जनरल इन काउंसिल का। एक्ट कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट नो नेटिव ऑफ इंडिया चाहे वो नेचुरल बोर्न हो सब्जेक्ट ऑफ हिज मैजेस्टी वो डिसेबल नहीं होना चाहिए फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट बाई रीजन ऑफ हिज रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ डिसेंट और कलर। इट वॉज दिस इनेक्टमेंट विच लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट हो जाता है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, इन एसेंस वॉट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, प्रोसीडर जो है एस्टेब्लिश्ड है बाई लॉ, या फिर फेयर एप्लीकेशन है लॉ का, या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ है। तो इसका आ जाता है ये ऑप्शन सी सही है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो डिफरेंस है किसके बीच में, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उनके बीच में ये है कि फॉर्मर जो है वो सिर्फ डिसीजन है एग्जीक्यूटिव का। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें डिसीजन होता है सिर्फ एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, और ये टेस्टेड होगा कोर्ट्स में, ये टेस्ट होगा इसका विद द टेस्ट ऑन ऑफ फेयरनेस। बट जो बात का है वो वहाँ पे क्या होता है, कोर्ट एग्जामिन करेगा फेयरनेस, ना कि एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को, बल्कि जो लेजिस्लेचर यहाँ पे पास कर रहा है।
तो ये हो गया फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है हमारी 12th, और यहाँ पे क्या है कि इंडिया में क्या होता है कि जो जेल होती है वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है, उनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके. स्टेटमेंट टू कहता है कि इंडिया में प्रिजन्स जो है वो गवर्नड है बाय द प्रिजन्स एक्ट जो कि आया था 1894 में, जो एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब स्टेटमेंट कौन सी सही है? दोनों सही है. ठीक है, स्टेटमेंट वन भी, स्टेटमेंट टू जो है आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन के लिए. तो ये डिफरेंट हमें यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दे रखा है. तो प्रिजन क्या है? एक स्टेट सब्जेक्ट है लिस्ट टू के अंडर. ठीक है, लिस्ट टू के अंदर, लिस्ट टू किसका? 7th शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशन में. मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रिजन का वो स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन में ही आता है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन में ही ये आता है, और ये गवर्न्ड है बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894 का. ठीक है, ये भी ठीक है बिल्कुल. एंड जो प्रिजन मैनुअल है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की, दस स्टेट्स के पास प्राइमरी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है चेंज करने की करंट प्रिजन लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशन को. सो स्टेटमेंट वन हमारी यहाँ पे हो जाती है करेक्ट. इंडिया में क्या होता है कि जो प्रिजन्स हैं वो गवर्न्ड होती हैं बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894 सेक्शन 59 जो है इस एक्ट का, जो डील करता है विद द पावर टू मेक रूल्स. वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट विद रिगार्ड्स टू डीज एस्पेक्ट्स, जैसे कि डिफाइनिंग द एक्ट विच शेल कॉन्स्टिट्यूट प्रिजन ऑफेंसेस, डिटर्मिनिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजन ऑफेंसेस इंटू सीरियस एंड माइनर ऑफेंसेस, उसके बाद पनिशमेंट को आप फिक्स करो जो भी इस एक्ट के तहत एडमिसिबल है, और हमें क्या करना है, शेल बी अवॉर्डेबल फॉर द कमीशन ऑफ प्रिजन ऑफेंसेस और क्लासेस देयरफॉर, डिक्लेयरिंग द सर्कमस्टांसेस जिसमें एक्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है दोनों प्रिजन ऑफेंसेस को, और एक ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड एक्ट 45 ऑफ 1860. ठीक है, ओके. फोर्थ अवॉर्ड जो है मार्क्स का और शॉर्टनिंग का सेंटेंसेस का. सिक्स जो है रेगुलेटिंग द यूज ऑफ आर्म्स अगेंस्ट एनी प्रिजनर और बॉडी ऑफ प्रिजनर्स इन द केस ऑफ एन आउटब्रेक और अटेम्प्ट टू एस्केप एटसेट्रा. सो स्टेटमेंट टू जो है हमारी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है करेक्ट. ओके, अब यहाँ पे देयरफॉर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है चीफ पर्पस किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कंट्री का. तो पहला जो है डिटर्मिन करता है ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉज. ठीक है, एनेबल करता है क्रिएशन किसका, पॉलिटिकल ऑफिसेस का और गवर्नमेंट का. ओके, डिफाइन करता है लिमिट्स, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट. सिक्योर करता है सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस. तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस है वो हो जाता है कि ये डिफाइन करता है, लिमिट करता है पावर किसकी, गवर्नमेंट की. 14th में हम क्या करते हैं इंडिया में कि इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो वाइडली ये बिलीव किया गया कि ये इनेक्ट किए गए ताकि जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट्स का उनको हम ओवरकम कर सकें. पहला अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th या फिर 86th अमेंडमेंट. तो यहाँ पे है आंसर ए, ये था फर्स्ट अमेंडमेंट. तो फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था जो कि 1951 में पास हुआ था, इसका ऑब्जेक्ट ये था कि हमें जो आर्टिकल 19 है उसको क्या करना है, हमें अमेंड करना है ताकि जो ये जो कुछ डिफ़िकल्टीज जो आई थी जुडिशियल डिसीजंस में, प्रोनाउंसमेंट पे फंडामेंटल राइट को लेके, तो सिटीजन्स की जो राइट थी फ्रीडम की, स्पीच की, एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 क्लोज ए सब क्लोज, आर्टिकल 19 क्लोज ए सब क्लोज, क्लोज वन सब क्लोज ए कहता है कि कुछ कोर्ट्स जो हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव होना है एज नोट टू रेंडर ए पर्सन कल्पेबल
इवन इफ ही एडवोकेट्स मर्डर एंड अदर क्राइम्स ऑफ वायलेंस. तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाता है. तो वैलिडेशन वैलिडिटी थी फिर जमींदारी एबॉलिशन लॉस की इन जनरल एंड सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट एक्ट इन पर्टिकुलर. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कंसिडर करो फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया, जैसे कि हमारा है नेशनल कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके बाद हमारी है नेशनल लॉ कमीशन है, उसके बाद हमारी है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. हाउ मेनी ऑफ द अबव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कितनी है इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. नेशनल कमीशन जो बनी थी बैकवर्ड क्लासेस की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपकी बनी थी, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में. ठीक है, अब जो प्रेजेंट कमीशन है 8, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है और वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2018 एक्ट, वेयर बाई आर्टिकल 338B जहाँ पे इंसर्ट हुआ है, जो कि एक कमीशन बनाता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ताकि उनको जो है टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. तो पॉइंट वन यहाँ पे करेक्ट हो गया है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया का ये 12 अक्टूबर 1993 को ही बना था सेम ईयर में. तो ये अमेंड हुआ था बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006, ये जो आपका आया था उससे ये अमेंड हो चुका था. तो अब ये हमारा जो है करेक्ट नहीं है. नेशनल लॉ कमीशन एक स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूट होती है जब एक नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में. और यहाँ पे क्या होता है, ये डिपार्टमेंट है इसका लीगल अफेयर्स विद अ डेफिनेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड कमीशन. ये कुछ रिकमेंडेशन बनाता है गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स की फॉर्म में एज पर इट टर्म्स ऑफ रेफरेंस. तो पॉइंट 3 भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ये क्वासी जुडिशियल कमीशन है इंडिया में, जो 1988 को सेटअप हुई थी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का. ठीक है, इसके जो हेड थे, हेड ऑफिस जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है. तो यहाँ पे पॉइंट 4 हो जाता है आपका करेक्ट. 16 क्या कहता है, स्टेटमेंट कंसिडर करो कि इलेक्शन होते हैं जो प्रेसिडेंट में, अगर उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो जितने भी एक्ट होंगे उससे बाई हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड. क्या ये करेक्ट है, तो इनवैलिड नहीं होते, वो वैलिड होते हैं. तो ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी करेक्ट. इलेक्शन जो है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड डैट कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है और इलेक्शन जो है आर येट टू टेक प्लेस. ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पे असेंबली भी डिसॉल्व हो जाए तो इलेक्शन फिर भी होनी है. तो अगर असेंबली जैसे डिसॉल्व हो जाती है तो मेंबर जो है वो वोट नहीं देते. अगर फ्रेश इलेक्शन जो है होता है डिसॉल्व असेंबली में तो आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. सो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे हो जाती है हमारी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाती है. ये पोस्टपोन नहीं होंगे, जब एक बिल को प्रेजेंट किया जाता है प्रेजिडेंट को तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है टाइम लिमिट्स. ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी टाइम लिमिट्स को प्रिस्क्राइब नहीं किया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि कहता है नन. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारी, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है. 17 कहता है, अगर हम फाइनेंस बिल की बात करें, मनी बिल की बात करें इंडियन पार्लियामेंट में, तो जब लोकसभा ट्रांसमिट करती है फाइनेंस बिल किसको, राज्यसभा को, तो ये या तो इसको अमेंड कर सकती है या फिर बिल को रिजेक्ट कर सकती है.
जब लोकसभा ट्रांसमिट करती है मनी बिल को इसमें राज्यसभा में, तो ये अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती बिल, ये कुछ रिकमेंडेशन ही बना सकती है। अगर हम डिसएग्रीमेंट देखें लोकसभा राज्यसभा के बीच में, तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग के लिए कोई स्कोप नहीं है, बट जॉइंट सिटिंग जो है वो नेसेसरी बन जाता है फाइनेंस बिल के लिए। अब आपको बता रहे कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है। आंसर ए जो है, पहली, सिर्फ पहली ठीक है, क्योंकि जब लोकसभा ट्रांसमिट करती है फाइनेंस बिल राज्यसभा को, तो लोकसभा से राज्यसभा में जाता है ये, या तो इसको अमेंड कर देगी या फिर बिल को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो आर्टिकल 110 की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, जब भी एक फाइनेंशियल जो बिल है वो एक जब जब एक फाइनेंशियल बिल जो है वो एक ऑर्डिनरी बिल है, एज इट अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद मनी मैटर्स ऑल्सो डील विद नॉन मनी मैटर्स, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस बिल है ये गवर्नमेंट के जो प्रपोजल है, जैसे टैक्सेस को लेवाई करना है, एग्जिस्टिंग जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन लानी है, कंटिन्यूएंस करना है एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर का बियॉन्ड द पीरियड अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, वो सबमिट हो जाते हैं पार्लियामेंट पे इस बिल के थ्रू, तो ये इंट्रोड्यूस हो जाता है एज पार्ट ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। ओके, अब आता है फाइनेंस बिल, वो एकम्पनीड होगा मेमोरेंडम के साथ, कंटेन करता है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो भी है प्रोविजंस की। फाइनेंस बिल को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा में। हावेवर राज्यसभा क्या कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है अमेंडमेंट किस में, बिल का, बिल को पास होना है पार्लियामेंट के थ्रू विद इन 75 days ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है और स्टेटमेंट 2 हमारी हो जाती है यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। फाइनेंस बिल एक मनी बिल है, सो कोई भी जॉइंट सिटिंग जो है वो अलाउड नहीं है विद रिगार्ड टू अ फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 108। स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट, ये हमारी हो जाती है भैया इनकरेक्ट। आर्टिकल, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर A18 जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करती है एरिया को, जैसे कि कम्युनिटी रिजर्व बोल दिया, तो यहाँ पे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है स्टेट का वो गवर्निंग अथॉरिटी बन जाता है फॉरेस्ट की। हंटिंग अलाउड नहीं है इस तरह के एरिया में, पीपल जो है सच एरिया के दे आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पहले हम देखते हैं कि कंजर्वेशन जो है वो रिजर्व करता है कम्युनिटी रिजर्व्स को इंडिया में, और पीपल जो है सच एरिया के आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें हमारा है सी सही है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है हमारी ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं 19th का, विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Within a state, notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. Largest administrative unit forming the scheduled area, वो district है, और lowest जो है cluster villages का block में। Chief minister जो है concerned state के are required to submit annual reports to the union home minister on the administration of scheduled areas in the state. कौन सा ये सही लग रहा है, ठीक है। तो answer यहाँ पे हो जाता है हमारा B, यहाँ पे सिर्फ 2 जो है हमारे करेक्ट हो जाते हैं। करेक्ट कौन कौन से है, आर्टिकल 244 जो है, 244 वो कहता है कि एक्सप्रेशन शेड्यूल एरियाज का मतलब होता है कि एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर टू बी शेड्यूल एरियाज। स्टेटमेंट 1 तो हो जाते हैं हमारी करेक्ट, ठीक है। आप जैसे क्राइटेरिया देखें कि किसी एरिया को आप शेड्यूल एरिया कैसे बोलते हो अंडर द 5th शेड्यूल, वो है कि प्रिपोंडरेंस किसका, ट्राइबल पॉपुलेशन का, कॉम्पैक्टनेस और रीजनेबल साइज किसका, एरिया का, वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो, ब्लॉक हो, ताल्लुक हो। स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। गवर्नर जो है हर एक स्टेट का, हैविंग शेड्यूल एरियाज देयर इन शेल एनुअली और वेन एवर सो रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, उसको रिपोर्ट बना के भेजनी है प्रेसिडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेड्यूल एरियाज का कि कैसे चल रहा है स्टेट में, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की उसको एक्सटेंड करना है
टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू द स्टेट एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड एरिया. तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर आता है 20. कंसिडर करो स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे आता है आपका जजमेंट 1. सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट की जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है जो अंडर आर्टिकल 160(16)(4) के जो बनी थी वुड बी लिमिटेड बाई आर्टिकल 355 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेटमेंट 2 कहता है आर्टिकल 335 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करता है टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो करेक्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो है हमारा सी. स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये करेक्ट है और ये हमारी यहाँ पे हो जाते इनकरेक्ट. अब हमें बात करनी है कि स्टेटमेंट 1 कहता है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी इन प्रोडक्शन. यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट एटलीस्ट 16% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और यहाँ पे जो है वो कहता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट भी सही है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो ये आंसर हमारा यहाँ पे सी है. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 कहता है मार्सुपियल वो नेचुरली नहीं पाए जाते इंडिया में. मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स. तो 22 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट हमारी ये हो जाती है इनकरेक्ट. मार्सुपियल वो नेचुरल इंडिया में नहीं पाए जाते. मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स. 23 क्या कहता है. 23 कहता है कि इन्वेजिव स्पेशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो डेवलप करती है ग्लोबल इन्वेजिव स्पेशीज डेटाबेस को वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. बताओ 23 का ए यहाँ पे हो जाता है करेक्ट. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. 24th क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग फोना लायन टेल्ड मकाओ मालाबार सांबर. हाउ मेनी ऑफ आर जनरली नॉकटर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट. कौन सी होती है. 24th का बी हमारा बताता है कि एक तो हो गया हमारा मालाबार ये वाला करेक्ट है और एक हमारा जो है ये सांबर. ठीक है, ये एक्टिव हो जाते हैं रात में. क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वेगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड. बटरफ्लाइज है, हनी बीज है, ड्रैगन फ्लाइज है या फिर वास्प है. तो आपका हो जाता है ऑप्शन सी, ये होता है हनी बीज. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. 6 कहता है कि मशरूम की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, मशरूम की साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, मशरूम के पास इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज होती है, मशरूम के पास बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज होती है. कौन सा करेक्ट लग रहा है. सीधा सीधा 4th है, चारों ये करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं. अब आपको कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल्स. ये अपने नेस्ट बनाती है बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड. ठीक है, आपको बताना है क्या ये करेक्ट है नहीं करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 हो जाती है हमारी बिल्कुल करेक्ट. ये स्टोर करती है अपना फूड मटेरियल जैसे कि नट्स है सीड्स है ग्राउंड में. क्या लगता है, ये भी करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है. ये ओमनीवोरस है. ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है. ओमनीवोरस का मतलब होता है कि ये नट्स पे भी फीड करती है फ्रूट्स पे भी, लेकिन ये सीड्स भी खाएगी, इंसेक्ट्स भी खाएगी, छोटे छोटे जो मैमल्स हैं उनको भी खाती है, रेप्टाइल्स को भी खाती है, अंडों को भी खाती है और जो
चीक्स होते हैं बर्ड्स के, उसको भी खाती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाता है हमारा करेक्ट। 28 जो है वो क्या कहता है, 28 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकते हैं एनवायरमेंट में जहाँ पे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी करेक्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट टू है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं एनवायरमेंट में जहाँ पे टेम्परेचर जो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट से क्या हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है, ये भी भाई ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में जहाँ पे पीएच जो है वो 3 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा ठीक हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन देखते हैं, थर्टीथ क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये कंसिडर करना है एरोसोल फॉर्मेजेंस, फायर रिटार्डेंस और ल्यूब्रिकेंट्स। अब सवाल ये है, जो सवाल में पूछा गया है कि बाय द इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज, एक होता है, दो, तीन या चार। तो यहाँ पे आती है 6। पहले मैं बता देती हूँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते क्या है, ये एक्चुअली में ग्रुप होते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स के कूलिंग के लिए यूज होते हैं और रेफ्रिजरेशन के। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमने डेवलप किया था ताकि जो स्ट्रेटोस्फेरिक जोन है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, उनको हम क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। ठीक है, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है मैन मेड है, प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड होता है ताकि हम इनका रेफ्रिजरेशन में यूज़ कर सके, एयर कंडीशनिंग में यूज़ कर सके, इंसुलेटिंग फॉर्म्स और एरोसोल प्रोपेलेंट। माइनर यूज़ जो है इसका सॉल्वेंट की तरह है और फायर प्रोटेक्शन की तरह है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है दे आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग ल्यूब्रिकेंट्स, 0.123 करेक्ट है, बट जो 0.4 है वो हमारा इनकरेक्ट है, ये हो जाता हमारा इनकरेक्ट। 31 का क्वेश्चन आ जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पास होती है वुलर लेक के थ्रू, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स करती है कॉलेरू लेक को, फिर आता है मेंडियरिंग जो है गंडक रिवर की, वो फॉर्म करती है कन्वर लेक। अब यहाँ पे इसमें कितनी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, 1 है, 2 है, 3 है या कोई भी नहीं। देखिए 31 का हमारा हो जाता है ये वाला करेक्ट। 32 का देखते हैं जल्दी जल्दी, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, एक आता है कामाराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 तो है हमारी, ये तो हो गई करेक्ट, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी हो गई इनकरेक्ट, क्योंकि जो मुंद्रा पोर्ट है वो इंडिया का पहला प्राइवेट पोर्ट है और लार्जली ऑन पोर्ट है, जो कि नदर्न शोर्स पे लोकेटेड है, गल्फ ऑफ कुच पे, गल्फ ऑफ कुच हो गया आपका मुंद्रा के आसपास, कुछ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो सॉरी, स्टेटमेंट 2 भी हमारी यहाँ पे करेक्ट ही है। ठीक है, विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है उसको देख लेते कहाँ पे है। विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑन पोर्ट है बाई वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल एंड द लार्जेस्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे, ये लोकेटेड है चेन्नई से कोलकाता का जब जाते हैं उसके मिडवे पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में। जवाहरलाल नेहरू का जो पोर्ट है जिसको नवा सेवा भी बोलते हैं महाराष्ट्र में है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। तो स्टेटमेंट 3 हमारा तो यहाँ पे करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये हो गया हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि इसमें सिर्फ 2 पेयर हमारे करेक्ट हो जाते हैं। आपको कंसिडर करते हैं फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ, टीक, इनमें से कितने डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। जैक फ्रूट जो है एक एवरग्रीन ट्री है, एवरग्रीन ट्री है, इसका मतलब है कि अपनी पत्तियाँ हमेशा रहती है और उनको शेड नहीं करते, तो 0.1 जो है वो हमारी यहाँ पे करेक्ट नहीं हुई है। अब बात करते हैं महुआ, महुआ ड्राई डेसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ के इलाकों में ये पाया जाता है और जैसे कि झारखंड में, तो ये हमारा हो जाता है करेक्ट। टीक का जो पेड़ है वो मॉइस्ट डेसीडियस ट्री है, टीक के जो फॉरेस्ट है वो मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपके पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं आपके, ठीक है, 0.3 आपका हो जाता है करेक्ट।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दो करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया के पास ज्यादा एरेबल एरिया है अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें, जो प्रोपोर्शन है इरिगेटेड एरिया का वो ज्यादा है इंडिया में एज कंपेयर टू चाइना। एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर जो है इंडियन एग्रीकल्चर में वो ज्यादा है देन इन चाइना, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। एरेबल लैंड क्या होता है भाई, वो लैंड है जो प्लॉट हो चुकी है या फिर उस पर टिलिंग हो रही है। इंडिया के पास ज्यादा एरेबल लैंड है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद आता है आपका यूनाइटेड स्टेट, हमारा इंडिया आ जाता है, इंडिया के बाद आ जाता है हमारी यूएस, यूएस के बाद आ जाता है रशिया, रशिया के बाद आ जाता है चाइना, चाइना के बाद आ जाता है ब्राज़ील। अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में रफली 22% ये हमारा एरेबल लैंड है दोनों में। इंडिया के पास लार्जेस्ट एरेबल लैंड है ऑफ एनी कंट्री, ये आपका 1656, अगर आप चाहे तो वैल्यू ले सकते हैं 1656780 किलोमीटर पर स्क्वायर, जो कि 50% हो गया लगभग टोटल किसका लैंड का। और चाइना के पास है हमारा 11.3% जो कि है 1084461 किलोमीटर स्क्वायर। स्टेटमेंट वन हमारा जो है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट हो गया इस हिसाब से। स्टेटमेंट थ्री हम देखते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर जो है लेकिन चाइना में ज़्यादा है। चाइना प्रोड्यूस करती है 4.7 टन पर हेक्टेयर कंपेयर टू इंडियाज 2.7। चाइना 4.7 प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है 2.7 प्रोड्यूस। तो स्टेटमेंट जो बी है वो भी करेक्ट हमारा आंसर है, सॉरी स्टेटमेंट बी यहाँ पे करेक्ट है। अब आता है 35 क्वेश्चन, वो कहता है कि इनमें से जो है कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है रिपीटेड फॉल्स का सी लेवल में, जो प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड को राइज करता है। पहला है आपका भितरकनिका मैंग्रूव्स, मराकनम सॉल्ट, पैन नोपादा स्वैम्प और रन ऑफ कुछ, कौन सा सही लग रहा है। सही मुझे लग रहा है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो रन ऑफ कुछ है वो एक वास्ट सॉल्ट मार्श है जो कि थार डेजर्ट जो है गुजरात का वहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक इकोसिस्टम एंड इज कैरेक्टराइज बाय एक्सटेंसिव मार्शी एरियाज। एरिया कैसा है, थोड़ा सा मार्शी है, ठीक है। रीज़न जो है इसने एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे मल्टीपल साइकिल किसका सी लेवल फ्लक्चुएशंस का ओवर टाइम, जिसकी वजह से यहाँ पे हुआ है फॉर्मेशन किसका मार्श लैंड का इन द प्रेजेंट डे। तो 35 इसका करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 36, इल्मेनाइट और रूटाइल जो अबेंडेंटली अवेलेबल है कुछ कोस्टल ट्रैक्स में इंडिया के, वो रिच सोर्सेज है किसके, एल्यूमिनियम कॉपर आयरन या फिर टाइटेनियम। इल्मेनाइट रूटाइल जो कि अवेलेबल है, ठीक है, ये रिच सोर्सेज है हमारे टाइटेनियम के, किसके टाइटेनियम के रिच सोर्सेज है। टाइटेनियम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है लाइट वेट मेटल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस में इसको हमने यूज़ कर लिया और मेडिकल में यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने ऑटोमेटिव में यूज़ कर लिया। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है हैवी मिनरल्स की जो मेनली कोस्टल स्ट्रेचेज में पाए जाते हैं कंट्री के और इनलैंड प्लेसेस में भी। हैवी मिनरल की जो सैंड होती है उसमें 7 तरह के मिनरल्स होते हैं, इल्मेनाइट और उसके बाद लियोकॉक्सेन जिसको ब्राउन इल्मेनाइट भी बोलते हैं, रूटाइल, जर्कन, सिलिमेनाइट, गार्नेट और मोनेजाइट, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है। तो अब ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 37 क्या कहता है कि जो 3/4 है वर्ल्ड का जो कोबाल्ट है अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ
batteries for electric motor vehicle is produced by Argentina, Botswana, Democratic Republic of Congo या फिर Kazakhstan. ऑप्शन आ जाता है सी, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कोंगो का वो इसको बनाता है. 3/4 जो है वर्ल्ड का जो कोबाल्ट है, 3/4 जो वर्ल्ड का जो कोबाल्ट है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कोंगो वहाँ से आता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कोंगो का एक मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर भी है कोबाल्ट का, और इसका सिग्निफिकेंट कोबाल्ट रिजर्व भी है, जिसकी वजह से भाई ये एक पोटेंशियल प्लेयर यहाँ पे बन जाता है. इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है कोंगो बेसिन का? कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, उगांडा, कौन सा लग रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 38 है, तो 38 का जो आंसर है वो ये है ए, कैमरून. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कैमरून जो है वो कोंगो बेसिन का क्या है, बेसिकली पार्ट है, कोंगो बेसिन का पार्ट है. ठीक है, कोंगो बेसिन क्या है, वास्ट रीजन है सेंट्रल अफ्रीका में जो बहुत सारी कंट्रीज को एनकम्पास करता है, जिसमें से कैमरून भी एक कंट्री है. कोंगो बेसिन जो है ये बेसिन है कोंगो रिवर का, ये आपका पड़ता है ईस्ट साइड द इक्वेटर इन वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका. ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, नेक्स्ट टू दैट ऑफ द अमेजोन. अमेजोन के बाद 1.3 मिलियन स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा एयर को ये क्या करता है, कंप्राइज करता है. वास्ट ड्रेनेज एरिया जो है कोंगो रिवर का वो इंक्लूड करता है होल रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वेस्टर्न जेम्बिया, नदर्न एंगोला और पार्ट्स किसके, कैमरून के और टैंजेनिया की. कंट्री होली या फिर पार्शली जो है कोंगो रीजन में है वो हमारा है एंगोलो है, एक हो गया हमारा एंगोलो, ठीक है, गेबोन, बुरुंदी हो गया, उसके बाद आ गया आपका कैमरून के बाद आ गया आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR, उसके बाद आ गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रुवांडा, तांजानिया, जेम्बिया. तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बन जाता है करेक्ट. अब आता है 39. कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि अमरकंटक की जो हिल है वो कहाँ पे है, कन्फ्रेंस पे है विंध्या के और सायद्री रेंजेस की, ठीक है. और यहाँ पे जो बिल गिरिंगम है हिल्स, उसने कॉन्स्टिट्यूट किया था ईस्टर्न मोस्ट पार्ट किसका, सतपुरा रेंज का. फिर आता है शेरशाह चलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट करती है सदर्न मोस्ट पार्ट किसका, वेस्टर्न घाट्स का. कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आप आ जाता है ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. क्योंकि अमरकंटक की अगर हम बात करें, अमरकंटक एक पिलग्रिमेज टाउन है जो कि मध्य प्रदेश में है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में. तो यहाँ पे जो है एक नर्मदा रिवर बहती है, महानदी और सोन रिवर भी बहती है. तो ये साउथ ईस्टर्न जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे है. फिर आता है आपका बिलीगिरी रंगम हिल्स, ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती ईस्टर्न मोस्ट पार्ट किसका, सतपुरा रेंज का. और ये आपका चमराजनगर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका की वहीं पे है. तो ये पार्ट हो जाता है आपका ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज का, नॉट द सतपुरा रेंज. तो स्टेटमेंट टू हमारा करेक्ट नहीं है. फिर आता है आपका सेहाचलम हिल्स, जिसको हम बोलते हैं तिरुमाला रेंज. ये हिल रेंजेस है किसके, ईस्टर्न घाट्स के, जो लोकेटेड है सदर्न आंध्र प्रदेश में. दे आर बाउंडेड बाई द रायल सीमा अपलैंड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड द नंदियाल वैली इन द नॉर्थ ईस्ट. स्टेटमेंट थ्री जो है वो करेक्ट नहीं है यहाँ पे. अब आता है क्वेश्चन नंबर 40. विथ रेस्पेंट रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट के अंदर आता है, कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ और सूरत को.
ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट करता है मोहरे को मणिपुर में और चियांग माई को थाईलैंड वाया म्यांमार में। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट करता है वाराणसी को उत्तर प्रदेश में विद कोमिंग इन चाइना। ठीक है, और यहाँ पे फिर आता है एक लास्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, आपको बस ये बताना है यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा ये है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और देखते हैं 10 साल का जो एनालिसिस है वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।